अभी रिसेंटली मेरा कॉलेज खत्म हुआ है, और जब मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी, सेकंड ईयर में थी, थर्ड ईयर में थी, तो मुझे हर साल 50,000 तक का स्कॉलरशिप मिलता था। तो इतना स्कॉलरशिप आप लोगों को भी मिल सकता है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग स्कॉलरशिप से रिलेटेड बात करेंगे। जितने भी स्टूडेंट पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या फिर पॉलिटेक्निक करने वाले हैं, आप सबको जो है स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं, उन लोगों को पता ही नहीं रहता कि हम लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगा भी या नहीं, हम लोगों को कौन से स्कॉलरशिप मिलेगा, जिस वजह से उन लोगों को कुछ मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आप लोगों को सारा जानकारी मिलेगा। साथ ही ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आप लोग चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, हर कैटेगरी को स्टूडेंट जो है स्कॉलरशिप मिलता है। चाहे आप लोग बॉयज हो, गर्ल्स हो, ओबीसी हो, एसटी एससी, कोई भी कैटेगरी से हो, आप लोग को स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक और बात बता दूं कि जो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी के रहते हैं एंड अगर वो बॉयज कैंडिडेट है, साथ ही उनके पास कोई भी कोटा नहीं है, लाइक उनके पास माइनॉरिटी, वो माइनॉरिटी कैटेगरी से नहीं है, वो सिर्फ जनरल कैटेगरी से है और वो बॉय है, तो उन लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। ठीक है, एंड देखिए, सबसे पहले तो झारखंड सरकार पॉलिटेक्निक करने वाले या फिर कोई भी वो किसी भी इंस्टीट्यूट में है, कोई भी कोर्स कर रहा है, हर स्टूडेंट को झारखंड सरकार एक स्कॉलरशिप देती है जिसका नाम है ई कल्याण स्कॉलरशिप। ठीक है, ई कल्याण स्कॉलरशिप हर स्टूडेंट को मिलता है, ओबीसी, बीसी वन, बीसी टू, एसटी, एससी या फिर वो फीमेल कैंडिडेट क्यों ना हो, हर स्टूडेंट को ई कल्याण स्कॉलरशिप मिलता है। बस जनरल वाले स्टूडेंट को ई कल्याण स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। ठीक है, तो ई कल्याण स्कॉलरशिप अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आपको ई कल्याण स्कॉलरशिप मिलेगा। उसमें आपको जो है 7,000 से 8,000 रुपया हर साल आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। एंड अगर आप पीपीपी या प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं तो आपका 15,000 से 20,000 आपका अकाउंट में ये स्कॉलरशिप आता है। ठीक है, गवर्नमेंट में थोड़ा कम आता है और प्राइवेट में ज्यादा आता है, क्योंकि प्राइवेट में फी भी आपका ज्यादा लगता है। ठीक है, एंड ये स्कॉलरशिप ओबीसी, एसटी, एससी एंड फीमेल कैंडिडेट में, जो ओबीसी, एसटी, एससी उन कैंडिडेट को मिलता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलता है वो स्कॉलरशिप है आपका माइनॉरिटी स्कॉलरशिप। ठीक है, तो माइनॉरिटी में बहुत सारे स्कॉलरशिप आता है, तो वो आपका मिलता है जो जैन, सिख, मुस्लिम, ईसाई, ये जो है कैटेगरी के स्टूडेंट रहते हैं, उन लोगों को माइनॉरिटी स्कॉलरशिप मिलता है। अगर आप जो है बॉय है एंड अगर आप जनरल में ये सब कैटेगरी से आते हैं ना, तो आपको जो है ये स्कॉलरशिप मिलेगा, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप। एंड अगर आप लड़की है तो भी आपको ये स्कॉलरशिप मिलता है हर ईयर। बस आप कॉलेज में जाइए, कॉलेज में पता कीजिए या फिर यूट्यूब, आप सबके पास है ही, यूट्यूब पे ही आप लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए, तो आप लोग को हर स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, आप पॉलिटेक्निक कर रहे तो फिर भी आपको जो है ये स्कॉलरशिप मिलेगा। तो ओके, एंड अगर आपको स्कॉलरशिप के बारे में भी जानकारी चाहिए तो आप नॉर्मली नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल साइट पे जा सकते हैं, वहां पे प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक हर तरह का स्कॉलरशिप का जानकारी आपको मिलेगा। उसके बाद एक स्कॉलरशिप आता है डिसेबल कैंडिडेट, जो कैंडिडेट डिसेबल होते हैं उन लोग के लिए भी स्कॉलरशिप आते हैं। आप जनरल से है तो भी कोई बात नहीं, अगर आप डिसेबल कैंडिडेट है तो आपको स्कॉलरशिप मिलता है। आप एनएसपी पोर्टल, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जाइए, गूगल पे सर्च कीजिए एंड वहां पे आपको देखने को मिलेगा स्कॉलरशिप, डिसेबल कैंडिडेट के लिए स्कॉलरशिप आता है, तो वो आप लोग वहां पे देख सकते हैं जाकर। उसके बाद आप लोग जो कैंडिडेट, जो भी स्टूडेंट, अगर आप फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं, एआईसीटी से अप्रूव, आप किसी भी कॉलेज से, गवर्नमेंट, प्राइवेट, पीपीपी, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस वो कॉलेज एआईसीटी से अप्रूव्ड होना चाहिए, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आप लोग को एक स्कॉलरशिप मिलता है फीमेल कैंडिडेट को, जिसका नाम है प्रगति स्कॉलरशिप। ओके, तो प्रगति स्कॉलरशिप सरकार हर साल ऑल इंडिया में 5,000 स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप देती है, जिसमें आप लोग को अप टू 50,000 तक स्कॉलरशिप मिलता है हर ईयर। ठीक है, तो ये जो स्कॉलरशिप हो रहा था ये आपके मार्क्स के बेसिस पे आपको दिया जाता है, कि आपका मार्क्स कितना अच्छा है उस बेसिस पे आपको दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रगति स्कॉलरशिप है, ये स्कॉलरशिप भी आप जो है एनएसपी पोर्टल पे जाकर देख सकते हैं कि स्कॉलरशिप जो है कब आएगा, मतलब इसका जो फॉर्म है वो कब आएगा, कब फिल कर सकते हैं। नॉर्मली जितना भी स्कॉलरशिप रहता है, ये सारे स्कॉलरशिप आपका वही अक्टूबर नवंबर के बीच ही ये सारा स्कॉलरशिप आता है, तो आप अपने कॉलेज में जाकर पता कर सकते हैं। ठीक है, बट ये जो प्रगति स्कॉलरशिप है, जो डिसेबल कैंडिडेट वालों को स्कॉलरशिप मिलता है, माइनॉरिटी वाले स्कॉलरशिप है, ये सबके बारे में जो कॉलेज वाले हैं ना, वो लोग उतना बताते नहीं है। ठीक है,
कॉलेज वाले कल्याण के बारे में बताते हैं, बट ये सबके बारे में उतना बताते नहीं है, तो ये सब के बारे में आप लोग को जानकारी रखना पड़ेगा। ओके, तो जो प्रगति स्कॉलरशिप रहता है इसमें चाहे आपका कितना भी मार्क्स आए उससे फर्क नहीं पड़ता, बस फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, भले ही मार्क्स के बेसिस पे मिलता है बट फॉर्म भर दीजिए, क्या पता आपको मिल जाए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फॉर्म भरने में गलती करते हैं, उन लोगों के पास बहुत सारा सर्टिफिकेट नहीं रहता, जिस वजह से वो लोग जो है फॉर्म उन लोगों का पूरा फिल ही नहीं होता, फॉर्म उन लोगों का रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग जितने भी स्टूडेंट अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आप लोग ये फॉर्म जरूर से जरूर भर दीजिए प्रगति स्कॉलरशिप, जिसमें 50,000 तक आप लोग को स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है, एंड अगर आप लोग को प्रगति के बारे में भी जानना या प्री कल्याण वगैरह के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगी। ओके, एंड देखिए ये जानकारी आप लोग को मिल गया कि अगर आप लोग पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, आप लोग किसी भी कैटेगरी से है, बस जनरल बॉयज कैंडिडेट को छोड़ के आप लोग को स्कॉलरशिप मिलता है। ठीक है, तो कौन कौन से स्कॉलरशिप किसको मिलता है आप लोग को वो भी पता चल गया। तो अब आप लोग जो है कॉलेज में एडमिशन लीजिए, वो जब फॉर्म आएगा नवंबर अक्टूबर नवंबर में सब फॉर्म आता है तो आप लोग उसको फिल कीजिएगा। एंड ये सब स्कॉलरशिप के लिए ना आपको इनकम सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो इनकम सर्टिफिकेट के भी आप लोग बनवा के रखिएगा, या फिर जब होगा तब आप लोग बनवा सकते हैं। ठीक है, डेट आपका ये सब जो स्कॉलरशिप का फॉर्म आता है ये सब फॉर्म भरने में आपको अच्छा खासा टाइम भी दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये रहा स्कॉलरशिप का बात, एंड अगर आप लोगों को और भी कुछ जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर करें। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।